ओम शांति। 2 अगस्त 72 अव्यक्तवाणी। हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो, क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि और सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में लेने कारण रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो, जो भी संकल्प करते हो अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो उनकी रिजल्ट क्या निकलेगी? सिद्धि। तो हर संकल्प व कर्म अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है, अगर सिद्धि नहीं है तो विधि पूर्वक भी नहीं है। इसलिए भक्ति में भी जो कार्य करते हैं व कराते हैं उसकी वैल्यू विधि पर होती है। विधि पूर्वक होने कारण उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। सभी शुरू तो यहाँ हुआ है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो व अभी बनना है। समय के प्रमाण दोनों ही फील्ड में रिजल्ट अब तक 95% जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चैलेंज की है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह जो चैलेंज करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उसका फाउंडेशन कौन है? आप लोग ही फाउंडेशन हो ना। अगर फाउंडेशन तैयार हो जाए तब फिर उसके बाद नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिन्हों को राज्य करने का अधिकारी बनना है वह अपना अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होगा? और 4 वर्ष की जो चैलेंज देते हो उसके हिसाब से जो विश्व का परिवर्तन का कार्य होना है वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त न हुई होगी तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्ध होंगे? पहले स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है तो कितनी तेज स्पीड होनी चाहिए, जबकि 35 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक पहुंचे हैं, तो अब वर्ष में 100% तक लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कोई प्लान बनाते हो? स्पीड को कैसा पूरा करेंगे? सिद्धि स्वरूप बने अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो, यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। कर्म किया और सिद्धि प्राप्त। जब साधारण नॉलेज के आधार से रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो यह श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते। यह चेकिंग चाहिए, कौन सी विधि में कमी रह जाती है जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि ना प्राप्त होने का मुख्य कारण यह है जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक समय करना है, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। लव और लॉ दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन तीनों रीति से भी करनी है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रीति से और एक ही समय तीनों रूप से करनी है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो, पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा सर्विस अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वह महसूस करे कि यह कोई अपने गॉडली फैमिली में पहुंच गया हो। वह चलन ही ऐसी हो जिसे वह फील करे कि यह मेरी असली फैमिली है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा अर्थात
संपर्क द्वारा अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ, तो इस विधि पूर्वक सर्विस करो तो सिद्धि नहीं होगी। एक ही समय तीनों रीति और तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो। जब वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह कम हो जाती है। जब रमणीक एक्टिविटी से किसको संपर्क में लाते तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती है। तो एक ही समय तीनों अगर इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन होना चाहिए। संबंध में नहीं आते, डीप संपर्क में नहीं, ऊपर ऊपर के संपर्क में आते हैं। वह ऊपर का संपर्क अल्पकाल का रहता है। भले लव में लाते भी हो लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल हो, उन आत्माओं में भी पावर भरे जिससे वह समस्याओं, वायुमंडल वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल संबंध में रहे वह नहीं होता। या तो नॉलेज पर एट्रैक्टिव होते हैं वा लव पर होते हैं। ज्यादा लव पर होते हैं, सेकंड नंबर नॉलेज। लेकिन पावरफुल ऐसा हो जो कोई भी बात सामने आवे तो हिले नहीं, यह कमी अर्जुन है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उनों में भी नॉलेज ज्यादा है, लव भी है लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? एक सेकेंड में कोई भी वायुमंडल वा वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। कब हार नहीं खावेंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती है वह उनके ऊपर बलिहारी जावेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहे। जब पांच तत्व दासी बन सकते हैं तो मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जावेगी। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल रूप यह है। इसलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूपों से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जावेगी तब हरेक कर्तव्य में सिद्धि दिखाई देगी। विधि का कारण सिद्धि हुआ ना? विधि में कमी होने कारण सिद्धि में कमी है। अब सिद्धि स्वरूप बनने लिए इस विधि को पहले ठीक करो। भक्ति मार्ग में करते हैं साधना। यहाँ है साधन। साधन कौन सा? बाप दादा की हरेक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जावेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो जो कुछ स्टडी की हुई होती है, थ्योरी व प्रैक्टिकल दोनों को रिवाइज कर और चेक करते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रही हुई है। इस प्रकार अब जबकि समय नजदीक आ रहा है तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो कि कौन सी कमी और कितनी परसेंटेज तक कमी रही हुई है। थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में दोनों में चेक करना है। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ। लेकिन कंप्लीट तब होंगे जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का मालूम पड़ेगा। सब्जेक्ट्स को तो जानते हो, सब्जेक्ट को बुद्धि में धारण किया है व नहीं, उसकी परख क्या है। जैसे जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जावेगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जावेगा, थोड़े टाइम में सफलता जास्ती मिलेगी। इसको कहा जाता है सिद्धि। अगर समय ज्यादा मेहनत भी ज्यादा करते हो फिर सफलता मिलती है तो इसको भी परसेंटेज कम कहेंगे। सभी रीति से कम लगना चाहिए। तन भी कम, मन के संकल्प भी कम लेंगे, नहीं तो संकल्प करते हो प्लान बनाते बनाते मास डेढ़ लग जाता है। तो समय और संकल्प वा अपनी जो भी सर्वशक्तियां है उन सर्वशक्तियों के खजाने को ज्यादा काम में नहीं लगाना है। कम खर्च बाला नशीन। संकल्प वही उत्पन्न होगा जिससे सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसको ही कहते हैं सिद्धि स्वरूप। तो सर्व सब्जेक्ट में हम कहाँ तक पास है इसकी परख क्या है। जो जितना जिस सब्जेक्ट में पास होगा उतना ही उस सब्जेक्ट के आधार पर
ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट मिलेगा। एक तो प्राप्ति का अनुभव होगा, जैसे ज्ञान के सब्जेक्ट है तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है लाइट और माइट, वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उस नॉलेज के सब्जेक्ट के आधार पर रिस्पेक्ट भी इतना मिलेगा, चाहे दैवी परिवार से चाहे अन्य आत्माओं से। जैसे देखो आजकल के महात्माएं हैं, उनको इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि जो साधना की है, जो भी सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं, उनकी ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट उनको मिलती है। प्रकृति दासी होती है। तो यह एक ज्ञान की बात सुनाई। वैसे योग की भी सब्जेक्ट है, उनसे क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए? योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। तो पहले से ही मालूम होने कारण कभी भी हार नहीं खावेंगे। ऐसे ही योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बीज खत्म होता है। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो वह भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे पुरुषार्थ में। तो जिस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभवी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे वा जो भी प्लान बनावेंगे वह समर्थ होने कारण सभी रिस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी एक दो को राय देते हैं उस राय को सभी रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि समर्थ है। इस प्रकार का हर सब्जेक्ट का देखो, दिव्य गुणों की वा सर्विस की सब्जेक्ट होती है तो उसकी प्राप्ति यह है जो नजदीक संपर्क में और संबंध में आना चाहिए। नजदीक संपर्क संबंध में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो, और ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ वह उस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं। नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना है। अगर नॉलेज की सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है तो और भी किसके संकल्प को परिवर्तन में ला समर्थ बना सकते हैं, तो जरूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति हर सब्जेक्ट में चेकिंग करनी है। हर संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं तो परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट अर्थात कोई भी इफेक्ट से दूर परफेक्ट। इफेक्ट से परे है तो परफेक्ट है, चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का, चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसके भी वाइब्रेशन वा वायुमंडल, सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगे। तो समझो सब्जेक्ट में पास अर्थात परफेक्ट है। ऐसे बन रहे हो ना? लक्ष्य तो यही है ना। अब अपनी चेकिंग ज्यादा होनी चाहिए। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। अपने परिवर्तन के आधार से सृष्टि में परिवर्तन लाने का कार्य कर सकेंगे। यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। वह सिर्फ दूसरों को परिवर्तन करने के यत्न में है। यहाँ स्वयं के आधार से सृष्टि को परिवर्तन करते हो तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त है उनके संकल्प में समर्थ ही नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। इस कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामा अनुसार भले निश्चित है लेकिन वह भी
किस आधार से बना है? आधार तो होगा ना, तो आधार मूर्त आप हो। अभी तो आप सभी की नजरों में हो, चैलेंज की है ना, 4 वर्ष की। जब यह बातें सुनाते हो तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच नहीं हुआ तो यह भी हो सकता है कि 4 वर्ष में ना हो, यह संकल्प रूप में नहीं चलता है। सामना कर लेंगे वह दूसरी बात है। इसका मतलब यह संकल्प में कुछ है तब तो आता है ना? बिल्कुल पक्का है कि 4 वर्ष में होगा? अच्छा, समझो आप लोगों से कोई पूछते हैं कि विनाश न हो तो क्या होगा? फिर आप क्या कहेंगे? जिस समय समझाते हो तो यह स्पष्ट समझना चाहिए, ऐसे नहीं 4 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा। नहीं, 4 वर्ष में ऐसे नजारे हो जाएंगे जिससे लोग समझेंगे कि बरोबर यह विनाश हो रहा है, विनाश शुरू हो गया। एक बात सहज लग गई तो दूसरी बातें भी सहज लगेंगी ही। विनाश में भी समय तो लगेगा, स्वयं संपूर्ण हो जावेंगे तो कार्य भी संपूर्ण होगा कि सिर्फ स्वयं संपूर्ण होंगे? एडवांस पार्टी का कार्य चल रहा है, आप लोगों के लिए सारी फील्ड तैयार करेंगे। उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे, ऐसी पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। आजकल आप देखेंगे दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिगार्ड ज्यादा है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि जो काम करेगी वह बूढ़ों की नहीं, यह चेंज होगी। बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे। अभी जो बड़े हैं वह समझते हैं हम तो पुराने जमाने के हैं, यह है आजकल के, उनको रिगार्ड ना देंगे। बड़ा समझ न चलाएंगे तो काम न चलेगा। पहले बच्चों को रोप से चलाते थे, अभी ऐसे नहीं, बच्चे को भी मालिक समझ चलाते हैं, तो यह भी ड्रामा है। छोटे ही कमाल करके दिखाएंगे। एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वह भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने लिए रुके हुए हैं। उनका कार्य ही आपके कनेक्शन से चलना है। सारे कार्य का आधार विशेष आत्माओं के ऊपर है। चलते चलते ठंडाई हो जाती है, आग लगती है, फिर शीतल हो जाते हैं। लेकिन शीतल तो नहीं होनी चाहिए ना? बाहर का जो रूप होता है मनुष्य तो वह देखते हैं, समझते हैं, यह तो चलता आता है, बड़ी बात क्या है? परंपरा का खेल चलता आ रहा है। लेकिन यह चलते चलते शीतलता क्यों आती है, इसका कारण क्या है? परसेंटेज बहुत कम है, लेक्चर्स तो करते हैं, लेकिन लेक्चर के साथ साथ फीचर भी एक्यूरेट करे तब लेक्चर का इफेक्ट हो। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेक करो। आजकल लेक्चर में आपका कंपटीशन करे तो इसमें कई और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उसमें सभी आपसे हार लेंगे। मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो एकदम चुप हो जावेंगे, तो लेक्चर से फिर प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो जावेगा, तब वह लेक्चर देने से न्यारा दिखाई दे। जो शब्द बोलते हो वह नैनों से दिखाई दे। यह जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल है, यह अनुभवी मूर्त है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी सुन सुन कर तो सभी थक गए हैं, बहुत सुना है, अनेक सुनाने वाले होने कारण सुनने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं, कोई प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वह एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो, जैसे आप समझ जाते हो, न कि अपने को आत्मा समझो ना कि शरीर। तो ये शब्द बोलने में इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव हो।
एक सेकेंड के लिए भी अगर उनको अनुभव हो जाता है तो वह कभी छोड़ नहीं सकेंगे। आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। जैसे बीच बीच में आप भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उनको अनुभव में ले जाते आओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले आओ। वह फील करे कि सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है। तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों को आदि के बोलने में भी पावर होती है। एक सेकेंड में खुशी दिला देते, एक सेकेंड में रुला देते। तब कहते हैं इनका भाषण इफेक्ट करने वाला है, सारी सभा को हंसाते भी है, सभी को शमशानी वैराग्य में ले आते भी है। जब उनके भाषण में इतनी पावर होती है तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती है? अशरीरी बनना चाहो तो वह अनुभव करा सकते हैं। वह लहर छा जावे, सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जावे, उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। अब ऐसे भाषण होने चाहिए तब कुछ चेंज होगी। वह समझे कि इनों के भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। वह भले भाषण में सभा को हंसा लेते, रुला लेते, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते। बाप से स्नेह नहीं पैदा करा सकते, कृष्ण से स्नेह करा सकते, लेकिन बाप से नहीं करा सकते। उन्होंने पता नहीं है तो निराली बात होनी चाहिए। समझो गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते हो, लेकिन जब तक उनको बाप क्या चीज है, हम आत्मा है, वह परमात्मा है, जब तक यह अनुभव ना कराओ तब तक यह बात भी सिद्ध कैसे होगी? ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उनको अनुभव करावे। आत्मा और परमात्मा में रात दिन का फर्क है। जब अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान सिद्ध हो जावेगा। सिर्फ पॉइंट से उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, और ही लहरें उत्पन्न होगी, लेकिन अनुभव कराते जाओ तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकता। भाषण में अब यही तरीका चेंज करें। अच्छा, ओम शांति।